हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं जी एंटरटेनमेंट के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 14th मार्च 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले जी एंटरटेनमेंट में यहाँ पे फ्राइडे के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें 1.76% का यहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 242.45 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा जो यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने मिलने वाला है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के मतलब फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं आने वाले दिनों में स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वॉल्यूम की तो एवरेज सा हमें वॉल्यूम जो देखने मिल रहा है और यहाँ पे कैंडल जो बनी है वो एक स्मॉल साइज की कैंडल बनी है और अपर साइड में हमें जो है बड़ी विक हमें देखने मिल रही है। करंटली आरएसआई यहाँ पे 43-44 के आसपास जो आ चुका है जो हमें जरूर जो एक स्लाइट पॉजिटिव मूवमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखना आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक जो हमें थोड़ा सा डाउन साइड अभी भी जाते हुए देखने मिल सकता है। हाई चांसेस स्टॉक जो है फिलहाल 220 तक गिरते हुए देखने मिले और फिर वहां पे 210 या 215 के आसपास थोड़ा सा और जाए। बाकी मैं आपको बता दूं स्टॉक में साथ ही साथ जैसे कि हमारा ओपिनियन नेगेटिव का बन रहा है लेकिन यहाँ पे स्टॉक में जो ट्रेंड भी जो है वो भी नेगेटिव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 MA जो अभी भी 50 MA के नीचे जो चल रहा है जो स्टॉक के ट्रेंड को यहाँ पे जो नेगेटिव कर देता है इसका मतलब कोई भी पॉजिटिव मूवमेंट है सारा का सारा टेम्परेरी होने वाला है। डाउन साइड हमें स्टॉक में वापस से देखने ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे इसलिए मैं कहूँगा थोड़ा सा आप जो स्टॉक में कॉशियसली काम करें क्योंकि यहाँ पे स्टॉक में साथ ही साथ ट्रेंड भी जो है नेगेटिव और अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे जब तक परमानेंट का हमें कोई देखने ना मिले तब तक यहाँ पे बिल्कुल भी आप जो है यहाँ पे लॉन्ग के लिए ना जाए। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे फोर वीडियोस मतलब फोर स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में और वहां पे देखते हैं मंडे के दिन स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी हमारे 1 आवर के चार्ट में सारे के सारे सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क्ड है। तो यहाँ पे फिलहाल हमें कोई भी मार्किंग्स करने की जो जरूरत नहीं है, सीधा हम बात करते हैं इसके क्लोजिंग की। तो क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 241.75 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग है। डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे आता है 241.40 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे आता है 248.90 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो है मंडे के दिन घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है जरूर जो आप उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। वहाँ पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखने, किस तरह से यहाँ पे आपको अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया है। तो जरूर आप उस वीडियो को देख लें। बाकी यहाँ पे बात करूँ मैं मेरे ओपिनियन की तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 233.75 का, उसके बाद क्या आता है 226 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 255.25 का, उसके बाद क्या आता है 260.95 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट
और दो रेशियो यहाँ पे आपको बताए हैं, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जब आप अपना मंडे के दिन का जो ट्रेड ले। बाकी अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन मंडे के क्लोजिंग के बेसिस पे, यहाँ पे मंडे के लिए क्या बन रहा है फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे वो मैं आपको बताने से पहले मैं एक चीज यहाँ पे जरूर मंडे के दिन जो है देखूंगा, जो है इसका प्री ओपन मार्केट में परफॉर्मेंस। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट सपोर्ट के बहुत ही पास में हमारा स्टॉक जो है फ्राइडे के दिन क्लोज हुआ है। इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए देखना प्री ओपन मार्केट में स्टॉक जो है किस तरह से परफॉर्म करना, क्योंकि अगर यहाँ पे गैप डाउन हुआ तो स्टॉक थोड़ा सा अगले सपोर्ट तक जाते हुए फिर वहां से बाउंस बैक जो है दे सकता है, और यहाँ पे थोड़ा सा जो यहाँ पे एक न्यूट्रल सा में क्लोजिंग जो है दे सकता है। यहाँ पे करंटली हमारा ओपन जो है एक जरूर जो पॉजिटिव साइड का जो बन रहा है, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं, नो ट्रेडिंग एरिया के बीच में हमें लगता है एक पॉजिटिव हमें क्लोजिंग देखने मिल सकती है। मतलब फ्राइडे के क्लोजिंग से लेके हमारे डायरेक्ट रेशियो जो है 248.90 का, इस बीच में हमें जो है क्लोजिंग जो है देखने मिल सकती है मंडे के दिन। यहाँ पे अगर गैप डाउन भी हुआ तो थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट आ सकता है। मतलब यहाँ पे स्टॉक जो है मंडे के दिन गैप डाउन के बाद एक पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में जो हमें जाते हुए देखने मिल सकता है, लेकिन ज्यादा ही बड़ी यहाँ पे डायरेक्शन में नहीं जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।